हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो सुजलॉन एनर्जी। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में सुजलॉन एनर्जी 5.65 रुपीज़ पे क्लोज तो हुआ है। और मैं हमेशा बोलता हूँ, इसमें अच्छी बात क्या हो रही है कि इसमें ट्रेडिंग हो रहा, और मतलब शेयर में ट्रेडिंग होना चाहिए। जो अपर सर्किट लोअर सर्किट चलते वो बड़े खतरनाक रहते, उससे बेटर रहता है कि इसमें एटलीस्ट ट्रेडिंग हो रही है। और इसके पीछे कुछ रीजन है। जो केयर ने रेटिंग इसकी विड्रॉ की है, ये एक न्यूज़ थी। और जो इनकी लॉन्ग टर्म रेटिंग थी डी डी से बढ़ के, वो रेटिंग उन्होंने चेंज कर दी। अभी वो न्यूज़ क्या थी वो पहले हम देखेंगे। टिकर टिप पे जब हम आते हैं तो ओवरव्यू में देख सकते हो कि देखो, केयर विड्रॉस रेटिंग असाइन टू डेप फैसिलिटीज ऑफ सुजलॉन एनर्जी। इसमें पॉजिटिव बात ऐसी है कि चलो ये देख लेते पहले विड्रॉफ रेटिंग। ये देखो, सुजलॉन एनर्जी 9 मार्च इन्होंने ये पीडीएफ अपलोड किया था कि विड्रॉफ रेटिंग असाइन टू द बैंक फैसिलिटीज ऑफ सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड ऑन अकाउंट ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग। दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट सिंस कंपनीज बैंक फैसिलिटी डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स हैव अंडरगॉन रिस्ट्रक्चरिंग एंड देर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट चेंज इन रीपेमेंट टर्म्स। एट द रिक्वेस्ट ऑफ कंपनी, केयर रेटिंग्स लिमिटेड हैज विदड्रॉ इट्स रेटिंग असाइन टू द सेड फैसिलिटी विच इज नाउ स्टैंड रिस्ट्रक्चर्ड। तो इन्होंने अभी क्या किया है देखो, एज वॉज इंटीमेटेड बाई द कंपनी ऑन 27 फरवरी 2020 एज रिगार्ड्स ऑफ रिस्ट्रक्चर्ड फैसिलिटी, RP4 रेटिंग हैज बीन असाइंड बाय द क्रिसिल एंड इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च रेटिंग एजेंसी अपॉइंट बाय द लेंडर्स टू द रिजोल्यूशन प्लान ऑफ द कंपनी। तो इसमें देखो, अभी मेन बात क्या है कि कंपनी की जो रेटिंग है उन्होंने असाइन कर दी है, जो कि नहीं हो रही थी। कंपनी पे ज़्यादा कर्ज है फिलहाल, तो कंपनी का देख सकते हैं आप, रेवेन्यू डिक्रीज है, प्रॉफिट भी डिक्रीज में ही है। पर ये जो न्यूज़ थी कि केयर विड्रॉस रेटिंग असाइन टू द डेप फैसिलिटीज ऑफ सुजलॉन एनर्जी, इसमें इन्होंने इसकी रेटिंग फर्दर RP4 रेटिंग हैज बीन असाइन बाय द क्रिसिल। तो इनको अभी RP4 ये रेटिंग दी है। आप ये देख सकते हो कि कंपनी ने, इसमें भी वही न्यूज है एक्चुअली, पर यहाँ देख सकते हो इनकी रेटिंग। पहले तो रेटिंग कार्ड डी था इनके, जो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बैंक फैसिलिटीज है इनपे 6,400 करोड़, और लॉन्ग टर्म बैंक फैसिलिटीज में 9,900। तो टोटल इनके पास, टोटल फैसिलिटीज में देखा जाए तो पर 16,185 करोड़। और उसमें पॉजिटिव बात क्या है, अभी देखो सबसे पॉजिटिव बात ये देखो, पॉजिटिव फैक्टर रीपेमेंट ऑफ ड्यूज इन टाइमली मैनर फॉर ओवर 3 मंथ्स। मतलब जो रीपेमेंट, जो जितने भी ड्यूज है कंपनी के पास, वो कंपनी रेगुलर, मतलब जो टाइम टू टाइम वो पे कर रही है ओवर लास्ट 3 मंथ्स। इस वजह से इसके कंपनी का रेटिंग सभी उन्होंने थोड़ा सा बोल सकते हैं ना, जो कार्ड डी था उससे RP4 कर दिया है। तो कंपनी में सब फिलहाल तो पॉजिटिव दिख रहा है, क्योंकि जो भी अभी बजट में पेश हुआ है कि जो ये रिन्यूएबल एनर्जी वाली कंपनियां हैं, जो भी ये रिन्यूएबल एनर्जी बनाते हैं उनके लिए कुछ कंपनी ने, मतलब सरकार ने इनके लिए अच्छे से फैसिलिटीज क्रिएट की है कि ये इनका बिजनेस ग्रो करे। और इसमें भी कंपनी कितनी है, कंपनी तो बहुत सारी, पर जिसका मार्केट कैप अच्छा है, एक 2-4 हजार के आसपास, 2-4 हजार करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। जैसे एक अदानी ग्रीन हो गया, वो तो अदानी की कंपनी, उसको छोड़ ही दो, वो तो आगे ही रहेगी। पर ये जो छोटी कंपनियां हैं, जैसे कि ये सुजलॉन है, सुजलॉन में ये हमने हमेशा देखा है, हर जगह पे हमने, जो जो भी ये घूमने वाले होते हैं, ये सुजलॉन के ही, मैंने तो मोस्टली यही देखे हैं। तो
इनका आगे जाके फ्यूचर काफी अच्छा होने वाला है, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी पे सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है फिलहाल। और कंपनी पे देख सकते हो, कंपनी 4,765 करोड़ की कंपनी है। इसमें कुछ अभी देखो, इस कंपनी बोथ साइड चल रही, कंपनी कर्जा भी कम कर रही है और इसमें नेगेटिव फैक्टर भी है। अभी नेगेटिव फैक्टर क्या क्या है ये देख सकते हो, कंपनी ने रिड्यूस डेप्ट, पर इसमें नेगेटिव फैक्टर है कि इनके सेल्स देखो, सेल्स मार्च 2017 में 12,714 करोड़ के थे, जो 18 में 8,000 करोड़ के हो गए, 19 में 5,000 करोड़ के हो गए और 20 में 2,900 करोड़ के हो गए। तो सेल्स इनके अगर देखे जाए पिछले 4 ईयर से ये डिक्रीज हो रहा है। और नॉर्मली अगर मैं किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे सेल्स जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहते हैं, मैं वैसी कंपनियाँ देखता हूँ कि सेल इंक्रीज चाहिए उनका, यहाँ है कि ये डिक्रीज में है। और बोरोइंग में देख सकते हो, बोरिंग अच्छी है, लॉन्ग टाइम्स में जो 13,210 करोड़ का था वो अभी सितंबर क्वार्टर में 6,471 करोड़ का हो चुका है। ये एक पॉजिटिव बात है कि उन्होंने लॉन्ग टर्म उनका कर्जा कम कर रही है। और प्रमोटर ने देखो, प्रमोटर ने हिस्सा इसमें दिसंबर क्वार्टर में थोड़ा सा बेचा है, पर एफआईज ने इसमें हिस्सा खरीदा है और जो घरेलू इन्वेस्टर है उन्होंने खरीदा है। तो एफआईआईज ने हिस्सा बढ़ाया है दिसंबर क्वार्टर, और घरेलू इन्वेस्टर डीआईज ने भी बढ़ाया, तो ये एक पॉजिटिव बात है, ये हिस्सादारी बढ़ा रहे। पर इनका कैसे देखो, ये फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, बहुत लंबी होल्ड करने के बारे में सोचते हैं। तो आपको भी उसी हिसाब से अगर इन्वेस्ट करना है तो वो हिसाब से इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अभी देख सकते हो लॉन्ग टर्म चार्ट देखते हो तो एक जमाने पे ये शेयर 450 के ऊपर ट्रेड कर रहा था और अभी है 5 रुपए में। तो यहाँ पे अगर लेटेस्ट में एंट्री लेना चाहते हो तो आपको पहला स्टॉप लॉस रखना है 491, और अगर और रिस्क लेना चाहते हो तो आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा 2 रुपए 70 पैसे पे। नजदीक का स्टॉप लॉस होगा 4 रुपए 91 पैसे और दूर वाला स्टॉप लॉस होगा 2 रुपए 71 पैसे। तो ये लेवल निकल गया है ऊपर के लेवल। सबसे बड़ा हर्डल तो यही है जहां से इसने रिवर्स किया था 8 रुपए 40 पैसे पे, इसका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो ये लेवल जब निकलेगा, 8 रुपए 40 पैसे जब निकलेगा तो ये सीधा जाएगा 12 रुपए, 12 रुपए के बाद जाएगा ये 17 रुपए। 8 रुपए 40 पैसे निकलने के बाद ये जाएगा 12 रुपए 45 पैसे और 12 रुपए 45 पैसे निकलने के बाद जाएगा 17 रुपए 45 पैसे। और 17 के ऊपर भी अगर आपको एक लेवल चाहिए तो ये होगी जो 22 रुपए 26 पैसे। तो इतने लेवल्स सुजलॉन कर सकता है, ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी इतनी है। और नीचे जाने की जो इसका स्टॉप लॉस है, नीचे का अगर स्टॉप लॉस देखते हो आप तो जो नज़दीक वाला स्टॉप लॉस है वो तो 4 रुपीज़ 91 पैसा है, और अगर दूर का चाहिए तो 2 रुपए 71 पैसे है। तो ये स्टॉप लॉस आपको याद रखने हैं, क्योंकि देखो है तो ये पेनी शेयरी, इसलिए इसमें रिस्क ज़्यादा है, तो अमाउंट भी कम ही लगाना है इसमें। कि जैसे जो अमाउंट 5,000 समझ लो और लगा के भूल जाना है, ऐसे कर सकोगे तो इसमें आप एंट्री लो, नहीं तो और भी अच्छी कंपनियां हैं उसमें आप इन्वेस्ट करके आपका पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हो। तो ये ओवरऑल एनालिसिस सुजलॉन एनर्जी पे। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक एंजॉय योर ट्रेड, टेक केयर।